उपमंडल भोरंज के अंतर्गत पड़ने वाले जाहू कस्बे में अतिक्रमण के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस और प्रशासन अतिक्रमण को लेकर बेखबर बना हुआ है। इस बेरुखी से सड़क और नालियों पर दुकानों का सामान सजता आ रहा है। जाहू में अधिकांश दुकानें सड़क के किनारे पर लोगों के साथ वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इससे वाहनों के जाम की समस्या भी विकराल होती जा रही है। पूर्व में रहे उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने जाहू का दौरा करके सड़क के किनारे से अवैध कब्जे हटाने को सख्त आदेश दिए थे। सभी दुकानदारों को अपना सामान दुकान के अंदर रखने के आदेश दिए हुए थे। यहां तक एक ढाबे का शौचालय पूर्व एसडीएम विजय धीमान और तहसीलदार अमर सिंह ने उखाड़ दिया और कुछ और दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया था। इन अधिकारियों के तबादले होने के बाद जाहू बाजार में अतिक्रमण ने फिर से पैर पसार दिए हैं। इससे सड़क भी तंग होने लगी है और वाहन चालक भी परेशान हैं। बाजार में हो रहे अतिक्रमण पर पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हालांकि डीएसपी बरसा जसबीर ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों और जाहू व्यापार मंडल के सदस्यों की बैठक जाहू पुलिस चौकी में बुलाकर दुकानदारों से सामान को अंदर रखने के लिए कहा था, लेकिन इन आदेशों की किसी ने परवाह नहीं की। इस संबंध में भोरंज थाना प्रभारी राजीव लखनपाल का कहना है कि सड़क पर सामान रखने वाले दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे।